तो टेस्टी टेस्टी मसाला पाव की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा चम्मच तेल और उसी के साथ बटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया एक बड़ा सा प्याज और उसी के साथ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका कच्चापन चला जाए यानी तकरीबन हमें इसे एक मिनट तक पकाना है और गैस जो है वो अभी हाई फ्लेम पर है। उसी के साथ हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद भी हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। अब हमें कर लेना है इसको बहुत अच्छे से मिक्स, गैस को जो है वो हाई फ्लेम पर ही रखना है। अब हम ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर और उसी के साथ तीन उबले हुए आलू जिनको मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब हमें इसे कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, जिसमें सबसे पहले ले लिया एक चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एक चुटकी हल्दी, आधा चम्मच जो है भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर या एक चुटकी। फिर ले लिया दो चम्मच हमने पाव भाजी मसाला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में एक चम्मच हमने ले लिया लाल मिर्च। अब कर लेना है इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स। फिर हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं एक कटोरी पानी। इस दौरान इसमें एक बेहतरीन खुशबू आने लग जाएगी। अब हम ऐड करेंगे एक और कटोरी पानी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच नींबू का रस और इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए और फ्रेशनेस लाने के लिए धनिया पत्ती। तो हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, बेहतरीन। इसके बाद मैंने ले लिया एक पैन, इसमें लगा लेंगे हम थोड़ा सा बटर, तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर मैंने ले लिया एक यहाँ पे पाव। अब हम इसको मस्त चारों तरफ से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे। इसके बाद जो हमने वो गर्मा गर्म मसाला तैयार किया है वो उसके ऊपर रखेंगे। साथ में आप चाहे तो थोड़ी सी प्याज भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो जो हमारा मसाला पाव है वो टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें।